सर्व समीका द्वारा मान ज्ञात करना है स्क्वायर ऑफ 45, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 50 - 5 का होल स्क्वायर। 50 में से अगर 5 घटा दिए जाएं तो 45 बचेंगे, तो 45 का वर्ग। अब यहाँ पर 50 को हम a मानते हैं, माइनस 5 को b मानते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र बन जाता है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह तो a का मान 50 माना था, b को 5 माना था, 5 का होल स्क्वायर बराबर a इज ए 50, देयरफॉर स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2a इज 50, a इज 50 और b इज 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये 50 में से 5 गए तो 45, दिस इज 45 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर तो 50 × 50 है ना, तो ये हो जाएगा 50 × 50 माइनस, है ना। तो ये देखो 5 × 25 और 25 × 50 और ये 0 की 0 प्लस 5 का वर्ग 25, तो ये हो गया आपका 45 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5 × 25 और ये 2 0 माइनस 5 0 0 प्लस 25, तो 2525, तो ये हो गए 2525 माइनस 500, तो 45 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 45 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, तो 5225 में से 500 घटाएंगे तो ये बचेंगे 2025, ये 2025, दिस इज ए आंसर, दिस इज ए आंसर। सेकेंड मेथड इसकी एक और है जो कि हमने आपको बताई दी थी कि 45 का स्क्वायर मतलब कितना, 45 × 45 है ना, 5 × 25 = 5 इनका गुणा करेंगे, 25 का 5 ऐसे लगा दो, फिर तिरछा गुणा करेंगे, 5 × 20 5 × 20 20 × 20 = 40 ने 2 42 का 2 हासिल लगा 4, फिर 4 × 16 खड़ा गुणा करेंगे, 4 × 16 और 4 = 20 और इस तरीके से सेम, नो चेंज, सेम उत्तर आ गया, ठीक है।